हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ उमर खान। आजकल एक सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चल रहा है, बॉयकॉट चाइनीज स्मार्टफोन। इसको शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आजकल लोग कहते हैं कि चाइनीज स्मार्टफोन हमको बैन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खरीदेंगे तो हम एक टाइप के चाइना को फंडिंग कर रहे हैं। जितने भी चाइनीज कंपनी जो इंडिया में है, जो वीवो, रेडमी और ओप्पो, ये सब चाइनीज कंपनी तो है, इनका हेडक्वार्टर चाइना में है, पर ये 90% इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। इनके है जो इनका प्लांट है दिल्ली और ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। अगर हम बात करें इसमें जो एम्प्लॉय है सब इंडियन है। इनके हर साल ये लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स भी देते हैं, और ये जो प्लांट है जहाँ काम करते हैं वो कंपनी, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देते हैं। अगर हम एक बात करें जो लावा कंपनी के बारे में, तो लावा कंपनी एक इंडियन कंपनी है और उसकी प्लांट चाइना में है। अगर हम बात करें आईफोन के बारे में, तो आईफोन एक अमेरिकन कंपनी है, उसकी तो प्लांट है चाइना में, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ असेंबली होता है, फिर वो अमेरिका आता है, अमेरिका से फिर इंटरनेशनल मार्केट में आता है। अगर हम सैमसंग के बारे में बात करें तो ये साउथ कोरियन कंपनी है, इसका एक कैमरा चाइना में बनता है, वो वापसी चाइना से साउथ कोरिया आता है, साउथ कोरिया में असेंबली होता है, असेंबली के बाद ये पूरी दुनिया में ट्रेड होता है, उनकी मार्केट में आता है, तो ये चलता रहता है। अगर आपको बैन करना है तो आपको बैन करना है ऐप्स को, चाइनीज ऐप्स को, जैसे टिकटॉक और ये पबजी को। क्योंकि अगर हम पबजी के बारे में बात करें तो पबजी हर साल लगभग $2,20,000 कमाता है इंडिया से, और अगर टिकटॉक के बारे में बात करें तो टिकटॉक में लगभग 800 मिलियन यूज़र पूरी दुनिया में, उसमें सिर्फ इंडिया में 461 मिलियन यूज़र है, मतलब 50% से ज़्यादा। और टिकटॉक हर महीने इंडिया से लगभग 25 करोड़ रुपये कमाता है, और हर साल लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा कमाता है। ये जितने भी पैसा जाता है डायरेक्ट चाइना के अकाउंट में आता है, और चाइना ही इसको वेपन में यूज़ करता है और इंडिया के खिलाफ यूज़ करता है। अगर आपको बैन करना है तो आपको बैन करना है टॉयज़ को, जो 75% ये चाइना से बन के आता है। अगर हम ये मोबाइल और ये टीवी तोड़ के हमें कोई फ़ायदा नहीं होना है, अगर हम जो कंपनी है मोबाइल कंपनी, इससे बॉयकॉट करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे हमें नुकसान है, क्योंकि इसमें जो काम करने वाले एम्प्लॉय है सब इंडियन है। इससे इंडिया गवर्नमेंट को इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कंपनी में जॉबलेस हो जाएगी, अनएम्प्लॉय हो जाएगी, तो ये टैक्स दे नहीं पाएंगे, कंपनी बंद हो जाएगी, तो इसलिए इन चीज़ को बैन करके फ़ायदा नहीं है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको चाइनीज़ ऐप से दूर हो जाएंगे, क्योंकि जितना फ्री कॉस्ट है उतना ही नुकसान है, ये आपका हर डिटेल अपने पास रखता है, तो इसलिए जितना ही कम से कम अगर चाइनीज़ ऐप्स का यूज़ कम करेंगे उतना फ़ायदा है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।